के लिए जाते हैं, इसको बाल वाल इसके कटवाते हैं, इसको ज़रा सा सीधा इंसान बनाते हैं, इसको इतना मैला कुचैला हुआ हुआ है। तो आज जो है वो हम टेस्ट ड्राइव और ऑफ रोडिंग जो है हाईवे पर ड्राइविंग सब कुछ करेंगे टोयोटा करोला 2010 XEi के साथ। तो वो मैंने इंस्टॉल की है, वो मेरे गैरेज में खड़ी भी है और अभी उसको निकालते हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप वाइट कलर में हैं और इसको आज हम ड्राइव करेंगे। ओके सो यूजिंग द मॉड ऑफ लॉजिटेक G29 स्टेयरिंग व्हील गियर एंड कार ड्राइविंग सेटअप, तो उसके साथ जो है हम रिव्यू कर रहे हैं। जिसको नहीं पता ये स्टेयरिंग वगैरह कौन सा है, तो ये लॉजिटेक G29 स्टेयरिंग व्हील सेटअप है। तो लेट्स ड्राइव। ओके ये इंटीरियर वगैरह ऑटो पे सेट की हुई है मैंने इसको, अभी ऑटो पे ड्राइव करूँगा अभी। ओके कैमरा वगैरह सेट कर लें, इसको रिवर्स करेंगे अब आराम से। रिवर्स गियर डाल दिया, आराम आराम से निकाल लेंगे यार। अच्छा रिस्पॉन्स है इस मॉडल का, कहीं से किसी भी तरह से ग्लिच नहीं कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और बहुत से जो है अभी मॉड्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं कमेंट्स में, ऐसा नहीं है कि मैं उनको देख नहीं रहा, वो मैंने नोट कर लिया है। बैट मोबाइल की मेरे पास आई हुई है, BMW i8 की मेरे पास आई हुई है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, उसको मैंने नोट किया हुआ है। तो वो टाइम टू टाइम मैं जो है वो इंस्टॉल करके फिर वीडियो जो है वो एडिटिंग में मैंने डाल दी है, तो अब वो टाइम टू टाइम जो है वो मैं अपलोड करूँगा। अब एक साथ तो सारी नहीं कर सकता एक ही वीडियो में, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट वगैरह हैं। और थैंक यू सो मच के इतना सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, इट्स यू नो दैट मीन्स अलॉट टू मी। और बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहो यार, और कोई भी कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो है वो रिप्लाई कर देता हूँ। ओके तो हम यहाँ बार बार शॉप पर आ गए हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ हुलिया सुधारते हैं। मैंने इसको फेड करवाना है पूरा क्लीन शेव्ड, इसको हेड करवाना है, अजीब सा ये जंगली लग रहा है अभी। You ready for a trim? यस What do प्लीज you have in mind? क्लीन शेव कर दो भाई, फेड कर दो पूरा, चॉइस में नहीं है, अजीब से स्टाइल्स हैं। तो हमें सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, अभी तो मैं डेजर्ट की तरफ हूँ ना जहाँ इसका घर है। अब सिटी की तरफ हमने Come ड्राइव back करके जाना पड़ेगा। anytime. अच्छा है, टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी हाईवे पे। कहाँ पर है, मैं पहले मैप लगा लूँ, GPS सेट कर लूँ। हाँ यही वाला होगा, चेक कर लेते हैं, दो तीन है, पता नहीं है ना कौन सा वाला, मॉडर्न वाला जो है उसमें है सारे अच्छे जो है ना कट्स और स्टाइल्स। चलो भाई लेट्स गो। ट्रेन से पहले पहुंच जाऊंगा? नहीं नहीं पहुंच सकता, तो रुकना पड़ेगा हमें। ट्रेन गुजर जाए पहले फिर मूव करते हैं। कच्चे में से लेके जानी पड़ रही है, यहीं से जाके तो हाईवे का रास्ता आएगा, तो जो GPS बता रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। चलो फाइनली रोड पे तो आ गए। स्मूथनेस है यार इस गाड़ी में, ग्लिच कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने DLC मॉड नहीं किया है, ये मैंने गाड़ी रिप्लेस की है। इंट्रूडर जो है एक गाड़ी है GTA 5 में ही, उसको मैंने रिप्लेस किया है विद द मॉडल ऑफ टोयोटा करोला। चलो हाईवे की साइड पर आ गए, अब हम हाईवे पर क्रूज़ करेंगे ना, प्रॉपर चलेगी गाड़ी। ओके सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये है टोयोटा करोला 2010 का मॉडल XEi मॉड इन GTA 5 नॉन स्टीम। नॉन स्टीम मीन्स स्टोरी मोड
और मॉड्स तो नॉन स्टीम पे ही होते हैं, तो इसलिए मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों को आइडिया रहे। चौथा गियर लग गया है भाई, आराम से क्रूजिंग हो रही है इस गाड़ी की, बेहतरीन रिस्पांस दे रही है गाड़ी, डिसबैलेंस भी नहीं हो रही, ट्रैक्शन अच्छी है गाड़ी की, रोड ग्रिप भी परफेक्ट है, मॉडल भी खूबसूरत बना हुआ है कि लग रहा है प्रॉपर अच्छी गाड़ी लग रही है। ये मॉडल ऐसा ही है और वाइट में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने जो इसका वाइट कलर करा दिया था, वैसे क्योंकि जब मैंने डाउनलोड की थी तो ये ब्लैक में थी। काफ़ी और भी मॉड्स मैंने किए हैं, लैंड क्रूज़र वगैरह मैंने चेंज किया है, वो शायद ट्रैफिक में हमें दिख जाएगी अभी आगे जाके, मुझे पता नहीं है कौन सी गाड़ी पे की है मैंने। पांचवे गियर पे पहुंच गई थी गाड़ी भाई, हाईवे पे चल रही है ना तो इसलिए स्पीड करते हुए पहुंच जाती है। ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो बिल्कुल मैं खींच नहीं सकता गाड़ी स्पीड में, खींच तो मैं सकता हूँ लेकिन फिर वो टक्कर होते होते फिर गाड़ी डैमेज हो जाएगी, इससे बेहतर है प्रॉपर तरीके से चलाओ इंसानों की तरह, जब रियल लाइफ की तरह चला रहे हैं स्टेयरिंग व्हील वगैरह तो फिर तमीज़ से चलानी पड़ती है। कीबोर्ड से चला रहा होता तो फिर भगाता हुआ पहाड़ों पर चढ़ाता हुआ निकालते हुए ले जाता मैं। हमने यहाँ से टर्न लेना है राइट साइड से, इसी जो है ट्रक के पीछे से, वह मूव कर भाई। चलो यही है ना, हम आ गए, अब देखना पड़ेगा कि यही वाला है या दूसरा है। ये रही जैसे आप देख सकते हैं ट्रैफिक में लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है ब्लैक कलर की, आगे भी है ग्रे कलर में भी है। अब मुझे पता नहीं है ये मॉडल कौन सा है, मैं जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिया था, अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा है। चलो यहाँ पार्क करते हैं, आ गई बार्बर शॉप। बिल्कुल परफेक्ट पार्क हुई है भाई,